हेलो गाइस, टुडे वी आर टॉपिक अबाउट डिस्कस एड्रेनल ग्लैंड। सो गाइस, आज हम पढ़ते हैं कि एड्रेनल ग्लैंड क्या होता है और इसकी शेप क्या है और कितने इसके नाम है, क्या इसका वर्क है। सो गाइस, इसके जो नेम है हम बताते हैं कि एड्रेनल ग्लैंड को किस किस नाम से हम जान सकते हैं। एड्रेनल ग्लैंड को फर्स्टली हम एड्रेनल के नाम से जानते हैं क्योंकि ये किडनी से जुड़ी होती है, इसलिए हम इसको एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। सेकेंड जो उसका नाम है सुपरा रीनल ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि ये ऊपर रहती है किडनी के, इसलिए इसको हम सुपरा रीनल ग्लैंड बोलते हैं। और गाइस, थर्ड नेम जो है इसका हम उसको बोलते हैं थ्री एफ ग्लैंड। थ्री एफ ग्लैंड का मतलब, जो थ्री एफ ग्लैंड का मतलब ये है कि थ्री एफ है। फर्स्ट एफ का मतलब है संघर्ष, सेकेंड एफ का मतलब है भय और थर्ड अफ का मतलब है पलायन। मतलब कि फाइट संघर्ष, फ्राइट भय और फ्लाइट होता है पलायन करना। तो ये हो गया तीसरा नाम इसका। और जो इसका चौथा नाम है गाइस, वो होता है फोरेस्ट ग्लैंड। फोरेस्ट ग्लैंड का मतलब उसमें फोर एस होते हैं। फर्स्ट एस जो एस होता है उसका, उससे ये प्रोड्यूस किया जाता है कि सेक्स हॉर्मोन होता है। और सेकंड से सेकंड जो एस होता है दूसरा, उससे कहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। और जो तीसरा एस होता है उसको बोलते हैं सॉल्ट रिटेनिंग। और जो लास्ट का एस होता है उसको बोलते हैं शुगर मेटाबॉलिज्म। सो गाइस, ये तो थे एड्रेनल ग्लैंड के नाम, जो चार नाम थे एड्रेनल ग्लैंड क्योंकि ये किडनी से जुड़ा होता है, सुपरा रीनल ग्लैंड क्योंकि ये किडनी के ऊपर रहता है, थ्री एफ ग्लैंड क्योंकि ये संघर्ष करता है, भय और पलायन करता है, फोर है संघर्ष करता है, भय है और पलायन करता है क्योंकि ये हमारी जो ग्लैंड है ये हमें वर्क हमारे संघर्ष में हेल्प करती है, भय जब हमको डर लगता है, और पलायन करने में हमारी जो ग्लैंड है ये एक्टिवेट हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे हम किसी रूम में है या किसी कमरे में है और अचानक से वहाँ पर एकदम से सांप निकल आए, जैसे सांप आ जाए तो उससे हमको भय लगेगा, तो ये हमारी ग्लैंड जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है और ये वर्क करती है जिससे हमें भय लगता है। तो इसको सेकेंड एफ है फ्राइट, थर्ड है फ्लाइट, फाइट फ्राइट और फ्लाइट पलायन करना। और फोर एस ग्लैंड का मतलब है कि उसके पास फोर एस होते हैं। पहला है सेक्स हॉर्मोन, दूसरा है सोर्स ऑफ एनर्जी, तीसरा है साल्ट रिटेनिंग और फोर है शुगर मेटाबॉलिज्म, एड्रेनल ग्लैंड। सो गाइस, अब हम पढ़ते हैं कि एड्रेनल ग्लैंड क्या होता है और क्या इसका वर्क है। ये तो थे अब तक हमने जो पढ़ी है, इसके नाम थे गाइस एड्रेनल ग्लैंड के। द एड्रेनल ग्लैंड इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ ईसी किडनी। ये ऊपर देखी ऊपर होती है किडनी के। एड्रेनल जो ग्लैंड होती है वो डिवाइडेड होती है इनटू टू पार्ट के अंदर। फर्स्ट द आउटर पोर्शन ऑफ द ग्लैंड, जो आउटर पोर्शन होता है ऑफ द ग्लैंड का उसको बोलते हैं हम एड्रेनल कॉर्टेक्स। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा आउटर कॉर्टेक्स, आउटर ग्लैंड है, आउटर पोर्शन है ग्लैंड का, इसको बोलते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स। और जो हमारा इंटरनल होता है अंदर की तरफ होता है उसको बोलते हैं एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला अंदर की तरफ होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स हमारा बाहर की तरफ होता है। इसको ये हमारा इस पर यहाँ पे फैट भी होता है जो लगा हुआ होता है एड्रेनल ग्लैंड। और गाइस, इसके पास जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है एड्रेनल ग्लैंड है, एड्रेनल कॉर्टेक्स है, इसके पास होता है कॉर्टेक्स, जो है हमारा कॉर्टेक्स इसके पास होते हैं। ये क्रिएटिंग करता है थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन। जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है गाइस, ये हमारा क्रिएट करता है थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन्स, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये थ्री टाइप के हॉर्मोन को क्रिएट करता है। माइनरल एलो कोर्टिकॉइड्स है, ये कंजर्व करता है माइनरल जो एल्टिकोर्टिकॉइड्स होगा। इसका क्या वर्क होगा, जो हमारा फर्स्ट हॉर्मोन है इसका ये है कि विच कंजर्व सोडियम इन द बॉडी, ये कंजर्व करेगा सोडियम को इन द बॉडी के अंदर, इन द बॉडी। सेकंड होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का क्या वर्क होता है, विच इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। थर्ड है हमारा गैनाडोकोर्टिकॉइड्स का क्या काम होता है गाइस, विच रेगुलेट सेक्स हॉर्मोन सच एज
एस्ट्रोजन ये रेगुलेट करता है सेक्स हार्मोन जैसे मतलब एस्ट्रोजन है, ये इनका ये काम होता है। ये थ्री हार्मोन होते हैं जो क्रिएटिंग किए जाते हैं थ्रू एड्रेनल कोर्टेक्स के, एड्रेनल कोर्टेक्स। सो गाइस अब हम देखते हैं द एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल ये हमारा एड्रेनल मेडुला है। अब हम देखते हैं कि इसका क्या वर्क होता है। एड्रेनल मेडुला इज ए इनर पोर्शन, क्योंकि ये अंदर की तरफ रहता है तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनर पोर्शन। ये इनर पोर्शन होता है ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड का इनर पोर्शन। दिस पोर्शन सीक्रेट ए पाइन फेराइन एंड नोर पाइन फेराइन हॉर्मोन। ये दो तरह के हॉर्मोन सीक्रेट करता है। यो मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन से हॉर्मोन हैं, ये देख सकते हैं आप गाइस। ये हमारे दो हॉर्मोन हैं जो हमारा जो सेकंड पोर्शन है मेडुला, एड्रेनल मेडुला के थ्रू ये मतलब कि ये जो पोर्शन है सीक्रेट किए जाते हैं ये हॉर्मोन। फर्स्ट है एपाइन फेराइन और सेकंड है नोरपाइन फेराइन। ये दो हॉर्मोन हैं जो सीक्रेट किए जाते हैं मेडुला के थ्रू। अब देखते हैं गाइस के इसका जो इसकी जो सेप है ये किडनी के आकार की इसलिए कही गई है बोलते हैं इसको हम, क्योंकि ये इसका जो सेप का जो ये जो डायग्राम है जो आकार है वो किडनी के सेप का है, किडनी के सेप का है और किडनी से ही ये लगी हुई होती है एड्रेनल ग्लैंड। और ये किडनी के ऊपर टॉप ऑफ लेवल पर, किडनी के टॉप ऊपर रहती है ये, ऊपर ईच ऑफ ईच किडनी, दोनों किडनी के ऊपर ये रहती है। ये हार्मोन सीक्रेट करती है। दो पोर्शन है, एड्रेनल कोर्टेक्स है, ये थ्री हार्मोन सीक्रेट करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और हमारा जो सेकंड इंटरनल इनर पोर्शन होता है इसको एड्रेनल मेडुला कहते हैं। ये दो हार्मोन सीक्रेट करता है, ये फर्स्ट ये सेकंड, एपाइन फेराइन और पाइन फेराइन। सो गाइस ये आज का हमारा टॉपिक था एड्रेनल ग्लैंड के बारे में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।